का ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आज आप देखेंगे कि हायर किक को किस तरह बहुत ही हाइट में ले जाते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है लेग स्ट्रेचिंग। आज लेग स्ट्रेचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स 9 है, जिसमें आज आप फुल स्प्लिट यानी कि फुल स्ट्रेचिंग देखेंगे लेग को किस तरह हम करके आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन में टच कर लीजिए, इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए जरूरी है लेग को किस तरह फ्लेक्सिबल बनाना। जब हमारा लेग फ्लेक्सिबल हो जाएगा उसके बाद ही हमारा बढ़िया से स्ट्रेचिंग होगा। जब स्ट्रेचिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा तभी हम हाई किक कर सकते हैं। जब भी हम किक करने की कोशिश करते हैं ऊपर तो हमारा ज्यादा उठता नहीं है और यहीं पर रुक जाता है, यानी कि दर्द करने लगता है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो ज्यादा हाइट नहीं होता है, ज्यादा यहाँ पर होता है। अगर स्प्लिट अच्छे तरीके से होगा तो हम आपको आज बताएंगे 3 स्टेप में कि किस तरह लेग को अच्छे तरीके से फुल स्ट्रेचिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारा थोड़ा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है और लेग भी फ्लेक्सिबल हो जाता है और थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं लेग का। तो हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ये मेरा स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अब 3 स्टेप में किस तरह लेग स्ट्रेचिंग के लिए एक्सरसाइज किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। तो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। तो सबसे जरूरी है लेग को अच्छे तरीके से स्ट्रेच किया जाए इस तरह। इसी में ही इसको घुटने नीचे पकड़कर और पीछे की तरफ इस घुटना को तेजी से पीछे की तरफ धक्का देना है, यानी कि नीचे घुटना को धक्का देना है और ज्यादा से ज्यादा नीचे स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। होल्ड करके रखेंगे। तो
ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। पैर को जितना ज्यादा फैलाना है फैला लीजिए और हम फ्रंट पुशअप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रंट और साइड पुशअप, तो हम पहले साइड कर लेते हैं फिर फ्रंट पुशअप करेंगे। ये मेरा दूसरा स्टेप है। ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखेंगे और स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम थर्ड स्टेप यानी कि फाइनल लेग को फुल स्ट्रेच करके दिखा रहा हूं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है थोड़ा सा बटरफ्लाई करते हैं। हमारा लेग अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल हो सके। बटरफ्लाई बहुत ही जरूरी है स्ट्रेचिंग के लिए, लेग स्ट्रेचिंग के लिए। अब हम फाइनली लेग स्ट्रेचिंग करके दिखा रहे हैं। आराम आराम से पैरों को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। आप इसको 1 वीक कीजिए, कम से कम 1 हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही होने वाला है ये। मैं भी रोज आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमारा चल रहा हायर किक सीरीज, उसी में ये मेरा पार्ट 9 है। अब धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और धीरे धीरे पुशअप भी मारते जाना है धीरे धीरे। फाइनली सीट हो जाना है। आप देख सकते हैं ये फुल स्प्लिट हो चुका है, यानी कि हमारा लेग अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग हो चुका है। थोड़ा देर होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे उठने की कोशिश करेंगे, पैरों को यहां लाएंगे और फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे। तो आप देखा है किस तरह हमने फुल लेग स्ट्रेचिंग किया, इससे अब हमारा किक अच्छे तरीके से होगा। अब हम कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे हमारा हायर किक किस तरह करते हैं यानी हाई किक किस तरह मारते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाने वाले हैं कि अच्छे तरीके से किस तरह हाई किक करते हैं। तो बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कोई भी अगर कमी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।
बस।